नमस्कार, मैं विष्णु देव उपाध्याय, आप देख रहे हैं एसएससी न्यूज। आपको बताते चले कि मातृ पितृ पूजन दिवस के अवसर पर रामरेखा प्रसाद सरस्वती शिशु मंदिर में आ गया, वहां के बच्चों ने काफी उत्सुकता के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया। चूंकि कोरोना काल के वजह से संख्या शिक्षकों अभिभावक एवं छात्रों की बहुत कम रही, कोरोना गाइडलाइन का भी पालन किया गया, फिर भी छात्रों ने इस पर्व को बड़ी ही सादगी से मनाया और एक संदेश भी दिया। आइए इस विद्यालय के मातृ पितृ पूजन दिवस के पूरा कार्यक्रम को देखते हैं। आपके यहाँ क्या हो रहा है आज? आज हमारे माता पिता का पूजा किया है हमने। स्कूल में यही सिखाया जाता है कि हमारे माता पिता भगवान हैं और माता पिता को हम बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? रिशु कुमारी। कौन क्लास में पढ़ती है? 2 क्लास। आज आपने क्या किया है? माता पिता का पूजा किया है। अच्छा लगा? क्या नाम है आपका? ऋषिकेश कुमार मिश्रा। कौन क्लास में पढ़ते हैं? UKG। हमारे यहाँ मातृ पितृ पूजन दिवस हो रहा है। क्या होता है? माता पिता का पूजा किया जाता है, सम्मान दिया जाता है। हम लोग सिखाते हैं कि हमारे माता पिता का सम्मान करते हैं और उसके बाद जब शिक्षक गण भी माता पिता के सम्मान ही होते हैं। अभी क्या करके आ रहे हो? क्या हो रहा है आपके स्कूल में? हमारे स्कूल में मातृ पितृ पूजन दिवस हो रहा है। मातृ पूजन क्या होता है ये? इसमें माता पिता का पूजा किया जाता है। मतलब कैसे पता चला? क्या हो, कौन बताया आपको? हमारे जो गुरु होते हैं वो बोलते हैं कि हमारे माता पिता को हमेशा आदर करना चाहिए, उनका बात करना चाहिए। आपके बच्चे विद्यालय में आए और इस तरह की पूजा में सम्मिलित हुए, आप लोग क्या कहेंगे इसको लेकर के, ऐसे कार्यक्रम को लेकर? मैंने ऐसा करने से बच्चों में भाव जगता है, ये हमारे माता पिता हैं, उनको उनके प्रति आदर भाव होता है, लगता अच्छा है कि, लगता है। लगता है कि अपने विद्यालय में जिस काम के लिए भेजा था, वो हो रहा है। हाँ, एकदम हो रहा है। आपका क्या बताएंगे माता जी, विद्यालय जिस काम के लिए बच्चे को भेजी थी विद्यालय में वो आ रही है? अच्छा लगा, खुश है। हाँ, आचार्य जी ने आपके समक्ष माँ के महत्व को रखा, पिता के महत्व को रखा। माँ जैसा चाहती है
यह बहुत हद तक निर्भर करता है उनके प्रयास पर कि उनका बच्चा कैसा बनेगा। पिता बाहर के कामों में व्यस्त रहते हैं और बच्चों पर जितना ध्यान देना चाहिए, जो संस्कार उनको डालना चाहिए नहीं डाल पाते हैं, और जन्म से ही बच्चे माँ के साथ रहते हैं और माँ को ये भरपूर मौका मिलता है कि वो जैसा चाहे अपने बच्चों को गढ़े, अपने प्रयास से, अपने अनुशासन से और स्वयं की शिक्षा से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से। यह बात अपनी पुरातन संस्कृति की है, हम लोग इसको आदि काल से मानते आए हैं। माता देवो भव, पिता देवो भव, गुरु देवो भव, अतिथि देवो भव, ये हमारी पुरातन संस्कृति रही है। लेकिन अब जो विदेशी शक्तियां हैं अपने ही से अजर अमर संस्कृति को मिटाने का कुत्सित प्रयास कर रही है, और एक चीज जिससे हमारे छोटे छोटे भोले भाले बच्चे अनभिज्ञ थे वो अब सामने आ रहा है। पिछले कुछ वर्षों से वैलेंटाइन डे का प्रचलन बढ़ गया है, दिनों पर दिन बढ़ते जा रहा है। यह अपने संस्कृति को हमारे जो बाल बच्चे हैं, भोले भाले रंगे मुंगे बालक हैं, उनको दिग्भ्रमित करने का, उनको उनके संस्कार से दूर करने का, पाश्चात्य संस्कृति को अपने यहाँ थोपने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। विदेशी शक्तियां नहीं चाहती है कि भारत की जो यह युगों युगों से चली आ रही संस्कृति है, जो अजर अमर संस्कृति है, वह बनी रहे। वो अपने हाय हेलो बाय बाय वाली संस्कृति को भारत में भी खोदना चाहते हैं, और ये बहुत दुख की बात है कि हमारे भोले भाले जो बच्चे हैं वो इस कुचक्र में फंस रहे हैं। और इसका एक नमूना हमारे सामने है, हमने पिछले दिन गत शनिवार को सारे भैया बहनों से आग्रह किया था कि आप अपने घर में अपने माता पिता जी से विद्यालय के कार्यक्रम के बारे में बताइएगा और अपने माँ पिता जी को लेकर के अवश्य आइएगा। अपने संस्कृति पर जो कुठाराघात हो रहा है, जो इसे मिटाने का षड्यंत्र हो रहा है, आखिर इसकी रक्षा कौन करेगा? हम इसके लिए अगर काम नहीं करेंगे तो कौन काम करेगा? हम प्रयास नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और उपस्थिति संतोषजनक है, उत्साहवर्धक नहीं है। अभिभावकों की जो उपस्थिति होनी चाहिए थी, जो सहयोग विद्यालय को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा है। यह दुख की बात है कि हम अपने संस्कृति को बचाने के लिए, अपने भोले भाले बच्चों में जो अपना संस्कार है डालने का प्रयास विद्यालय के द्वारा, या जो इसके प्रेमी है, इसके जो रक्षक है, उनके द्वारा जो प्रयास होना चाहिए था, जो योगदान, जो सहयोग मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा है। लेकिन जो यहाँ आए हैं सचमुच में वो मेरे तरफ से पूजनीय है, वंदनीय है। आप अपना बहुमूल्य समय निकाल करके विद्यालय प्रांगण में आए, और यह आपके अपने बच्चों को संस्कार देने का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसका प्रभाव आपके बालक पर जरूर पड़ेगा। आप अपने बच्चे को तो संस्कार देंगे ही, साथ साथ भारतीय संस्कृति सभ्यता के रक्षण में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, अपना आभार व्यक्त करता हूँ और साधुवाद देता हूँ। तो ये मनाया जाता है हमारे देश मातृ प्रधान, बोले देश है हम लोग
आज बच्चों में संस्कार शुरू से रख दिया कि अपने माता पिता है सब कुछ है। आज हम मंदिरों में पूजा करने जाते हैं, लेकिन वास्तव में हमारे मंदिर को घर है। घर को अगर मंदिर बना दिए तो बच्चा इसी तरह संस्कार को करता है। माताएं चाह जाए तो बच्चों को जन्म चाहे हो सकती है। माताओं का बच्चे को जैसा कहना चाहेंगे वैसा कर सकती है। कहा गया है कि प्रार्थना था मात पिता गुणा वही माता। बच्चे हमारे राम कृष्ण जो भी है वो सब सुबह से पहले माँ को प्रणाम करते हैं, पिता को प्रणाम करते हैं, उसके बाद अपने प्रतिक्रिया को करते हैं। ये ज्ञान भरना माता पिता और साथ विद्यालय का आचार्यों का है। हमारा रामलीला का प्रसाद सरस्वती शिशु मंदिर ऐसा विद्यालय है जहाँ ये ज्ञान बच्चों को बताया जाता है कि माता को प्रथम देव और पिता, क्योंकि माता पिता के संस्कार से इस धरती पर आते हैं। आज जितने भी हम कुछ भी सीखते हैं वो माता के धन से सीखते हैं। यही हाल है आदित्य देव जब अभिमन्यु पेट में थे उसी समय चतुर्थिया सुना रहे थे, सो गए, जिससे कहते हैं अभिमन्यु चतुर्थना कहने का मतलब माता में ज्ञान हो भरा पड़ा है। वो बच्चों को देकर के बच्चा को जैसा चाहे वैसा बना।